जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए गणित के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। प्यारे साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जैसा कि आप सभी जानते हैं चल रहा है, तो जो 16 अगस्त 2023 में जो एग्जाम हुए हैं जितनी भी शिफ्टें, उन पर आधारित जितने भी संभावित क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में बन सकते हैं वे सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए लास्ट तक आपको मेरे साथ बने रहना, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर जरूर आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डेली डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सरलीकरण से है, सरल कीजिए। तो यहाँ पर वी बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होगा और छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा 6 माइनस 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब छोटे ब्रैकेट के बाद बारी आती है मझले ब्रैकेट की, तो मझले ब्रैकेट में क्या लिखा है 7 माइनस और बाकी का सोल्यूशन कितना आया 5। तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब बारी है बड़े ब्रैकेट की और बड़े ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या लिखा है, तो बड़े ब्रैकेट में 8 और माइनस है 2, तो 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, अब 9, और 9 के बाद में आया हमारे पास 6, 9 में से 6 को घटाएंगे तो बराबर 3 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 16,900 रुपये और 3 साल में 17,576 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। मतलब क्वेश्चन में हमें 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है और वो दिया है 16,900 रुपये, और आगे फिर कहा जा रहा है कि वही राशि 3 वर्ष में 17,576 हो जाती है। 17,576 को लिखा, इसका मतलब हम समझते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, याद रखिएगा ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसलिए हम जानते हैं कि 2 साल में 16,900 था और 3 साल में 17,576 हुआ, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज लगा, 1 वर्ष का जो ब्याज लगा चक्रवृद्धि, इसे हम निकाल लेंगे। तो हम 17,576 में से 16,900 को घटाएंगे तो जो 1 साल का ब्याज आएगा 676 रुपये आएगा। अब क्या करना है, आपको दर लाना है, तो क्या करो, जो 1 साल का ये 676 रुपया ब्याज है ये किस पर लगा, इसे प्रतिशत में बदल दो बटे के ऊपर लिखकर। तो ये ब्याज किस पर लगा, 16,900 पे लगा, तो 16,900 के साथ इसे अगर प्रतिशत में बदल देंगे तो यही हमारे पास दर आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 और 13 69, 13 5 65 होता है, 2 बचा, और यहाँ पर 13 2 26 और 13 का भाग यहाँ 52 में देंगे तो 13 चुको 52 यानी कि 4% रेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस समय एम के से 15 साल बड़ा है, 5 वर्ष बाद के की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी, एम की वर्तमान आयु बताओ। तो यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में, 5 वर्ष के बाद की बात की जा रही है, 5 वर्ष बाद, और कहा गया कि जो के की उम्र रहेगी वो 10 वर्ष रहेगी, इसका मतलब 5 साल बाद ये 10 साल का है के, तो के की वर्तमान आयु हम निकाल लेंगे, वर्तमान में जो के रहेगा वो कितने साल का रहेगा, तो 5 साल बाद 10 का होगा, तो वर्तमान लाने के लिए 10 में से 5 घटा देंगे, मतलब अभी वर्तमान में जो के की उम्र है वो 5 वर्ष है खाली। और क्वेश्चन में ये बोला गया एम जो रहेगा के से 15 साल बड़ा है, तो एम की आयु अपन आराम से अब लेके आ सकते हैं कि एम की जो वर्तमान में आयु है वो के की आयु से 15 साल ज्यादा है, तो के की आयु हमारे पास 5 वर्ष निकली, इसमें 15 साल और जोड़ देंगे तो एम की आयु आ जाएगी 15 में 5 जुड़ेगा 20 वर्ष, तो एम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, जब 45 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए तो औसत आयु क्या होगी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, एक तो औसत दिया और आंकड़ों की संख्या भी क्वेश्चन में दी है, तो
तो हम क्या करेंगे, इनकी आयु का योग निकाल लेंगे। तो शुरू में जो औसत दिया वो 25 वर्ष दिया, और याद रखिएगा कितने डेटा का ये औसत है, तो 6 सदस्यों का ये औसत है। तो 25 का गुणा अगर 6 से करेंगे तो योग आ जाएगा 25 छंग होता है 150, यानी कि 6 लोगों की आयु का योग अगर बात करें तो 150 वर्ष। क्वेश्चन में बोला गया 45 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला जाए, अगर 150 वर्ष में से 45 वर्ष उम्र का योग कम हो जाएगा तो 10 में से 5 गया 5 बचा, 4 में से 4 जाएगा 0, और यहाँ 105 बचेगा। ये 105 आयु का योग बचा और एक सदस्य चला जाएगा, तो अब सदस्य कितने रह जाएंगे, 6 में से एक चला जाएगा तो 5 सदस्य की आयु का योग हमारे पास 105 मिल चुका है। क्वेश्चन ने कहा कि अब औसत आयु बताओ, तो प्यारे साथियों औसत लाने के लिए जो आंकड़ों का योग है 105, इसमें आंकड़ों की संख्या का भाग लगाओ यानी 5 का, तो 5 इसे कट करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यानी अब इनकी आयु का जो औसत बना वो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं क्वेश्चन में, और यहाँ पर उनका क्षेत्रफल आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको मैं बता दूं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की अगर बात करें फॉर्मूले की विकर्ण के केस में, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है विकर्ण के केस में 1/2 गुणा में d1 × d2 होता है। d1 और d2 इसके दोनों विकर्ण हैं, तो हम आराम से क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2। d1 का मान मान लो 10 सेंटीमीटर है, गुणा d2 का मान हम लोग यहाँ पर 20 मानेंगे, तो 2 से काटेंगे 20 को तो 10 आ जाएगा, और 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और मोस्ट इंपोर्टेंट, 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब हमें वृत्त का क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और उसकी त्रिज्या, वर्ग नहीं होगा यहाँ पर, फिर वृत्त होना चाहिए क्योंकि त्रिज्या वृत्त की पूछेगा, तो यहाँ पर वर्ग को काट के आपको वृत्त करना है। तो आपको मैं बता दूं क्षेत्रफल दिया, तो आप वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो हमें दिया 616 और बराबर पाई की जगह हमें पुट करना होगा 22/7 गुणा, यहाँ से हम इसकी त्रिज्या लाएंगे तो आर स्क्वायर ऐसा ही लिख लेंगे। अब 616 की साइड ये भाग का 7 आएगा तो गुणा में, और गुणे का 22 इधर आएगा तो भाग में, और बराबर की इधर हमारे पास आर स्क्वायर बच जाएगा। 11 से काटेंगे 11 × 22 होता है, 11 × 5 55 और 11 × 6 66, यहाँ 2 से काटेंगे 56 को 2 × 2 = 4 और यहाँ पर 1 बचेगा 2 × 8 = 16, 7 का गुणा 56 से करेंगे तो हमारे पास बनेगा 196 और ये 196 आर स्क्वायर का मान आया। हमें क्वेश्चन में खाली आर का मान चाहिए, तो ये वर्ग हटेगा स्क्वायर, तो इधर करनी लग जाएगा 196 पर, और 196 भी करनी से बाहर आएगा तो 14 यहाँ से बाहर आएगा और 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात की जाए, 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 साल की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो प्यारे साथियों क्या करो, चक्रवृद्धि ब्याज लाना है, मूलधन दिया दर दिया, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज लाना सीखो। यहाँ पर क्या करोगे, पहले वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज लाना, तो आप क्या करो 50,000 का डायरेक्ट 8% निकालो, तो ये पहले साल का CI आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, 8 × 5 होता है 40 और ये 2 0 लग जाएगी, मतलब 4,000 रुपये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज लाने के लिए 4,000 तो ब्याज लगेगा ही, प्लस इस 4,000 का भी आपको कितना निकालना होगा, 8%। तो ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 8 × 32 यानी कि 320 बनेगा। तो 4,000 में यदि हम 320 को जोड़ेंगे तो हमारे पास दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4,320 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि कुल CI बताओ 2 साल का, तो 4,000 और 4,320 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8,320 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का बन जाएगा।
8320 ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ की यदि बात की जाए, एक व्यक्ति ने कुछ रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से उधार लिए। यदि 3 वर्ष के अंत में वह 2662 रुपये देता है तो उसने कितने रुपये उधार लिए। मतलब क्वेश्चन में हमें मूलधन बताना है, तो हमें क्वेश्चन में दर दिया है और कितनी दर दिया है 10%। और क्या दिया है, 3 वर्ष के अंत में वह 2662 रुपये देता है, मतलब मिश्र धन दिया। प्यारे साथियों, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्वेश्चन में दिया 2662, आपको क्या करना है मूलधन लाने के लिए, ये जो दर है 10%, इसका फ्रैक्शन बना लो। तो 1/10 इसकी फ्रैक्शन बनेगी, 10 में 1 जोड़ो तो 11/10। अब आप इसका उतनी बार गुणा करो जितने साल का मिश्र धन दिया। तो यहाँ क्वेश्चन में जो समय की बात हुई, याद रखिएगा 3 वर्ष की बात हुई, तो 11/10 का हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 और 10 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 1000। तो ये नीचे वाला जो मान बना ये मूलधन का अनुपात बना, ऊपर वाला मान जो बना ये मिश्र धन का अनुपात बना। अब सिंपली क्या करना होगा, इस मिश्र धन का मान 1331, अनुपात का मान क्वेश्चन में दिया 2662 रुपये। अब क्या करो, 1 यूनिट का मान लाने के लिए 2662 को आप भाग लगाओ 1331 का, तो ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान कितना बना, 2, और उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा मूलधन बताओ, तो मूलधन लाने के लिए जो 1 अनुपात का मान आया 2, इसका गुणा 1000 से कर लो। तो यहाँ पर 1000 का गुणा 2 से होगा, तो 2000 रुपये हमारे पास क्या जाएगा, मूलधन। 2000 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात की जाए, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर है और इसका विकर्ण क्वेश्चन में दिया है 17 मीटर, जमीन का क्षेत्रफल बताओ। मतलब हमें क्वेश्चन ने कहा कि आयत का क्षेत्रफल बताओ, और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल के माध्यम से लंबाई और चौड़ाई का मान आपको लाना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ आयत के विकर्ण का, और आयत का जो विकर्ण होता है याद रखिएगा रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होता है। क्वेश्चन में विकर्ण दिया 17 और बराबर क्वेश्चन में हमें एक भुजा बताइए 8, तो आप किसी भी एक भुजा को 8 लिखोगे तो करणी में 8 का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का वर्ग अपन चलो लेके आ जाते, ये करनी हटेगी इधर से तो इधर 17 पर रूट लग जाएगा, मतलब रूट हटेगा तो इधर 17 पर स्क्वायर लग जाएगा, बराबर की इधर 8 का वर्ग 64 और प्लस बी का स्क्वायर, इसका मान हमें चाहिए। तो 17 का वर्ग होता है 289 और इसमें से माइनस कर देंगे हम 64 को, तो बराबर की इधर बी की पावर 2 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 225, लेकिन इस बी का भी वर्ग हटाएंगे तो इधर 225 पर रूट लग जाएगा और इधर बी बच जाएगा। 225 किसका वर्गमूल होता है, तो मैं आपको बता दूं 15 का। तो यहाँ पर एक और भुजा कितनी आ गई, उसकी बी का मान 15। अब हमें लाना है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई, तो लंबाई मान लो कि 15 निकाल ली हमने, और चौड़ाई या एक भुजा दूसरी भुजा 8 क्वेश्चन ने दिए, तो 15 × 8 करोगे 120 वर्ग सेंटीमीटर, यानी मीटर में, मीटर वर्ग इसका क्या जाएगा, क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट, एक वर्ग का विकर्ण दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो मैं बता दूं आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है a की पावर 2 होता है, और a क्या होगी, वर्ग की भुजा होगी। तो आपको क्या करना होगा, वर्ग के क्षेत्रफल की जगह आपको कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप a का मान लाओगे कैसे, आपको वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला भी आना चाहिए। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a रूट 2, और क्वेश्चन में हमें विकर्ण का मान तो दिया 20, तो इसकी जगह 20 लिखेंगे, और गुणा से ये करणी 2 इधर आएगा तो भाग में करणी 2 हो जाएगा और बराबर में a बच जाएगा, मतलब उसकी भुजा कितनी निकल कर आएगी, तो 20/√2 आ जाएगी। क्वेश्चन ने यह कहा कि इसका क्षेत्रफल बताओ। प्यारे साथियों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा की पावर 2, तो हमें क्या करना है,
20 बटे करनी दो, इसकी पावर क्या करना है, दो करना है, तो 20 का वर्ग होता है 400 और करनी दो का भी दो बार गुणा होगा, तो आपके पास मैं बता दूं बनेगा करनी का चार, और करनी चार किसका वर्ग होता है, दो का, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा दो, दो से 400 को काटेंगे तो हमारे पास 200, याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल बन जाएगा 200 वर्ग मीटर। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसी के इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को आप जरूर वॉच किया करें। जिस दिन जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जाए एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली इस क्लास से आपको जरूर फायदा होगा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।